ने थोड़ी देर पहले बताया कि कॉमेडी फिल्म है, पूरा कॉमेडी कंटेंट है हम लोगों का, और कॉमेडी के साथ साथ इसमें कैसे जो फैमिलीज अभी आज की फैमिली सर्वाइव करती हैं, ट्रेन जो चल रहा है आज की फैमिलीज का, और ओल्ड टाइम में जो फैमिली सर्वाइव करती थी, लोगों का एक दूसरे से इतना कनेक्शन होता था। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, जितने भी एक्टर्स दिख रहे हैं, उनका जो रोल है वो एक गांव के लोग हैं, एक ही गांव दिखाया जाएगा फिल्म के अंदर, उस गांव के सारे लोग हैं, लेकिन क्या है कि सबका अपना अपना एक प्रोफेशन है। कोई इसमें करेक्टर कर रहे हैं भुलक्कर नाई का, कोई कर रहे हैं शादीराम घरजोड़े का, तो मतलब देर आर अ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। और उसमें क्या है कि एक जो मेन लीड अपना कैरेक्टर है वो अपने बदरुल जी जो कर रहे हैं बल्लू, वो बाय प्रोफेशन एक मनिहार है। मनिहार एग्जैक्टली शायद मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के सामने डायरेक्टली मनिहार कहा जाए तो दे फॉरगॉटन के, मतलब यार क्या है मनिहार, व्हाट इज दिस। क्योंकि हम लोग, मैंने खुद गूगल पे सर्च किया नाम, कि मुझे पता चला एग्जैक्टली, मैंने पढ़ा इसके बारे में जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था इसकी, तो बहुत ही शानदार कैरेक्टर है कि गाँव गाँव जाता है, चूड़ियाँ पहनाता है, लोगों को खुशियाँ बांटता है, और जब खुद की जिंदगी के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है और उसकी वजह से पूरा का पूरा लाइफ सफ़र हो जाती है, इसके ऊपर पूरी कहानी है। और कॉमेडी के साथ साथ इसमें जो है इमोशंस भी हैं, और जो कल्चर, जिसे मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बोला कि उस कल्चर को मैं कभी कभी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं छोटा था और जब मैं हम लोग गाँव में थे, तो वो बार बार लगता था कि यार किसी तरीके से वो चीज़ें हम लोग देख पाएँ, वो ऐसा कुछ बखूबी हम लोग भी उसका हिस्सा बन पाएँ, लेकिन कुछ ऐसा जरिया ही नहीं मिल पा रहा था। तो एग्जैक्टली आई थॉट कि मुझे एक फिल्म बनानी चाहिए, इसके ऊपर एक कहानी लिखनी चाहिए। तो बहुत ही शानदार कहानी है पुराने कल्चर को लेकर के, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी पुरानी चीज़ें जिन्हें शायद आज के लोग देखेंगे दे विल बी शॉक्ड। लाइक कि जैसे कि पहले फिल्में आती थी, जैसे सर ने बताया थोड़ी देर पहले, गोरा काला, एंड हम एक फिल्म बहुत बहुत हिट हुई थी मदर इंडिया, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई थी, कहानी तो थी उसके अंदर, बट कहानी के साथ साथ जो लोग कनेक्ट हुए थे उन चीज़ों से, क्योंकि वो आज के टाइम में कहीं है ही नहीं, प्रेजेंस ही नहीं करती है, लेकिन उनका हम लोग प्रेजेंस दिखा करके एटलीस्ट आने वाले जनरेशन को इस दशक से मिला, उनका आशीर्वाद लिया, मिलने जो उसकी एनर्जी आती है ना एकदम से, वो और किसी से मिलने से आज तक कभी नहीं आई ना। तो अनूप सर का मैं बहुत बहुत थैंक यू शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए, फिल्म से मुझे पॉजिटिव एनर्जी हुई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पे हो, फिल्मों पे हो, स्टेज के तो वो थिएटर के तो किंग है, लेकिन इस टाइप का रोल मुझे लगता है कि पहली बार कर रहे हो, थोड़ा सा उनका फोटे से हट कर है, और हिटलर साहब की याद दिला रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म हिट हो जाएगी, क्योंकि फिल्म के कैरेक्टर के नाम में हिटलर है, जहाँ पर हिट है, और ये फिल्म जो है अपने लागत से 500 गुना ज़्यादा कमाने वाली है। आप लोग क्या बात है, हमारे प्रोड्यूसर वाइन साहब इस चीज के लिए मैं समझता हूँ कि सबको वाइन पिलाएंगे। और ये जो एंकर है बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही है, और बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही टैलेंटेड है, ऐसा इसका खुद का मानना है, ऐसा मेरा खुद का, ऐसा सर का भी मानना है, लेकिन अब तुम्हारा काम देख के मैं भी मानने लगा हूँ। वेरी गुड एंड गॉड ब्लेस यू। और बहुत सारे इवेंट्स हमने साथ में किए हैं, आगे भी करेंगे, और अच्छे एंकर, खूबसूरत एंकर की जरूरत है। अब तुम्हारे आने की वजह से मुझे लगता है कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है, सॉरी वैक्यूम जो है वो भर जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू पूरी टीम के लिए, और गोविंद जी के लिए, पूरी फिल्म के लिए, थैंक यू जी। और पे हो, फिल्मों पे हो, स्टेज के तो वो थिएटर के तो किंग है ही, लेकिन इस टाइप का रोल मुझे लगता है कि पहली बार कर रहे हो, थोड़ा सा उनका फोटे से हट कर है, और हिटलर साहब की याद दिला रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म हिट हो जाएगी, कि फिल्म के कैरेक्टर के नाम में हिटलर है, जहाँ पर हिट है, और ये फिल्म जो है अपने लागत से 500 गुना ज़्यादा कमाने वाली है। आप लोग क्या बात है, हमारे प्रोड्यूसर वाइन साहब इस चीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि सबको वाइन पिलाएंगे। और ये जो एंकर है बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही है, और बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही टैलेंटेड है, ऐसा इसका खुद का मानना है, ऐसा मेरा खुद का, ऐसा सर का भी मानना है, लेकिन अब तुम्हारा काम देख के मैं भी मानने लगा हूँ। वेरी गुड एंड गॉड ब्लेस यू। और बहुत सारे इवेंट्स हमने साथ में किए हैं, आगे भी करेंगे, और अच्छे एंकर, खूबसूरत एंकर की जरूरत है। अब तुम्हारे आने की वजह से मुझे लगता है कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है, सॉरी वैक्यूम जो है
वो भर जाएगा. सो ऑल द बेस्ट. क्या बात है. जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए और गोविंद जी के लिए पूरी फिल्म के लिए. थैंक यू जी. फिल्म में लॉन्च भी करने जा रहा हूँ. क्या बात है मल्टी टैलेंटेड. मतलब अच्छा नेगेटिव कैरेक्टर में पर आप इतने पॉजिटिव लगते हैं. स्क्रीन पे नेगेटिव आना चाहते हैं. एक्चुअली पॉजिटिव में थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है, नेगेटिव में बड़ी फास्ट ग्रोथ है. जी बिल्कुल. अच्छा सर के लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूंगी. अभी सर की शुरुआत हुई है कि सीढ़ियां. बहुत ज्यादा चीजें बताऊंगा तो फिर बाद में फिल्म देखने में मजा नहीं आएगा. एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है और बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है. और फिल्म की खासियत यह है कि फिल्म एक बार आपने शुरू कर दी तो आप एक सेकंड के लिए भी बीच में उठ नहीं सकते, क्योंकि इसका हर एक डायलॉग जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पास से और या आने वाली नेक्स्ट जो स्क्रीन है उससे कनेक्ट करता है. तो आप कहीं उठ नहीं पाओगे बीच में. आपको फिल्म पूरी देख कर ही उठना होगा. क्या बात है. तो बेसिकली हिटलर का रोल इन्होंने गोविंद जी ने किया है. गोविंद जी एक बहुत 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 बड़े एक्टर हैं. बिल्कुल. और मैं सच में अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उन्होंने ये ऑफर लिया और इस फिल्म को किया. जिस तरह से उन्होंने हिटलर के किरदार को निभाया है वो सच में हमें जब हमने फाइनल फिल्म देखी तो हमें ऐसा लग रहा था कि फिल्म नहीं है, सच में हिटलर कहीं से आ गया है. सच में फिल्म असली में हिटलर आ गया है यहाँ. तो बहुत अच्छी फिल्म है. उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को पसंद आएगी और खूब कमाएगी. बिल्कुल. एक प्रोड्यूसर तो यही चाहेगा कि खूब कमाएगी. और बिल्कुल कमाएगी. आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी. थैंक यू सो मच सर. सर आपके पास आना चाहेंगे. लोकेश जी आप बताइए, आपने तो बहुत सारी फिल्म्स खुद भी करी हैं, इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है? मैम जब कभी पोस्टर लॉन्च होता है तो पोस्टर को सबसे पहले तो जो हमारे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और जो पूरी टीम है और अपने जो मीडिया वाले हैं त्रिलोका मीडिया, इन सबको मेरी बहुत बहुत बधाई. तो मैं ये कहना चाह रहा था मैम, जब पोस्टर लॉन्च होता है तो पोस्टर लॉन्च को देख के ऐसे खुशी होती है जैसे किसी आदमी की शादी ना हो रही हो और इसका रिश्ता हो गया हो. अब आगे की रस्म है, जो आगे शूटिंग होनी है, जो कास्टिंग करना है. तो जब कभी हमारे प्रोड्यूसर इस लाइन में आते हैं जो और शुरुआत करते हैं तो बहुत लोगों का परिवार चलता है. तो मेरा मानना सिर्फ ये है और कहना भी है और रिक्वेस्ट भी, जितने एक्टर हैं और जितनी एंटायर टीम है सब दिल से काम करें ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी काम कर सके, बना सके मूवी और आप सबको ले सके. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम कास्ट कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं नखरेबाजी चालू हो जाती है. तो जब भी जुड़े हम परिवार की तरह जुड़े, हमारा परिवार है, यही सबसे रिक्वेस्ट थी और पूरी इंडस्ट्री से ये रिक्वेस्ट है कि जब किसी के साथ जुड़े तो दिल से जुड़े ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपको याद कर सके. और सर बहुत बधाई आपको. अब एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैम, इंडस्ट्री के जितने विलन हैं एक आध को छोड़ के सारे दिल के बड़े प्यारे इंसान हैं. तो ये भी प्यारे इंसान बन गए. बहुत बहुत बधाई हो सर. थोड़ा सा अगर फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, किस तरह का कॉन्सेप्ट है और क्या रीजन था कि गोविंद नामदेव सर ऑन बोर्ड आए और देखिए फिल्म जो है एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है और गोविंद जी इसलिए आए क्योंकि गोविंद जी एग्जैक्ट मैच करते थे कैरेक्टर से और उन्होंने जिस तरीके से निभाया हमें लगा कि हम 1940 में जो वर्ल्ड वॉर है उसके जो ओरिजिनल हिटलर जी हैं वहाँ पहुँच गए. आप यकीन नहीं मानोगे, आप जब आप देखोगे जिस तरीके से इन्होंने निभाया है आपको लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि किसी तरीके से हमने दोबारा खींचा है, हिटलर को वापस लेकर आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए फिल्म में. गोविंद सर आपसे जानना चाहूंगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और जब इन्होंने अप्रोच किया तब क्या रिएक्शन था आपका, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड फिल्में करते हैं आप. मैं इस फिल्म से जुड़ी हुई दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ. उसके आधार पर हमें इस फिल्म को देखना चाहिए ऐसा है मैं मानता हूँ. मैंने कल फिल्म देखी है और मैं बहुत इम्प्रेस हो गया इस फिल्म से. पहली बात तो ये है कि ये एक नॉर्मल रूटीन फिल्म नहीं है कि सीधे सीधे कहानी को कह दिया और सबकी समझ में आ गया. ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है. आजकल फिल्म मेकिंग में एक्सपेरिमेंट्स का एक अच्छा खासा दौर चल रहा है. जब से OTT आया है हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स को काफ़ी वेलकम मिल रहा है, शॉर्ट फिल्म्स के द्वारा, वेब फिल्म्स के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा.
उसी से प्रेरित होके ये फिल्म मुझे लगता है हमारे सामने आई है। दूसरे ये फिल्म एक 14 साल के बच्चे को सेंटर में रख के उसके इर्द गिर्द बुनी गई है इसकी कहानी। सो ये फिल्म एक चिल्ड्रन फिल्म के तौर पर ट्रीट की जानी चाहिए, देखी जानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आप बताएं, ठीक है ना, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बच्चों के द्वारा एक पूरी दुनिया का एक बड़ा मैसेज इसके इस फिल्म के द्वारा इस फिल्म में है। तीसरे ये फिल्म बहुत ही लिमिटेड बजट में बनी है, सब लोगों ने हर तरह से सहयोग किया है। सो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वैल्यूज भले ही इसमें ना देखें, लेकिन जो मैसेज इस फिल्म के द्वारा कहा गया बहुत ही सशक्त ढंग से सामने आया है सब। इसके बाद राजेश प्रसाद जी और ये वाइन अरोड़ा जी, ये कोई प्रोफेशनल फिल्म मेकर नहीं है। राजेश जी सेंट्रल स्कूल में एक अध्यापक हैं, इन्होंने ये कहानी लिखी है, ये इनका बेबी है। इन्होंने चूंकि ये इनकी रुचियाँ इनके इंटरेस्ट कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सृजनात्मक ढंग से ये हर चीज़ को देखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सो इनका इरादा ये था कि ये जो मैंने कहानी लिखी है ये मेरे ढंग से आए, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे आए, इसके लिए मैं खुद भी पैसा लगाता हूँ। और इन्होंने अपने इन लोगों अपने ब्रदर को जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया, और ये इस तरह से सब लोगों के से मिले ये। मैं इनसे पहली बार मिला था सीधी नाम की एक जगह मध्य प्रदेश में, वहाँ एक थिएटर फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ पर इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। उसके बाद फिर इन्होंने कहीं पढ़ा था कि मैं हिटलर का कैरेक्टर करना चाहती हूँ, इससे पूछा गया। कई लोग पूछते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इतने इतना काम किया है, 32 साल हो गए हैं, अभी और क्या इच्छा बाकी है? इच्छा तो ख़त्म होती नहीं है एक्टर की, ऐसा लगता है वो आखिरी सांस तक करता रहे कुछ ना कुछ। तो मैं नॉर्मली बताता हूँ कि हिटलर का कैरेक्टर मुझे करने का बड़ा चाव है। वो चाव इसलिए है क्योंकि हिटलर एक वो पेंटर था, हिटलर वो कविताएं भी लिखता था, उसने रोमांस भी किया जिंदगी में। ऐसा आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी का बंदा वो 50 लाख से ज्यादा लोगों को कैसे कत्लेआम कर सकता है? ये जो विरोधाभास है एक व्यक्ति का, किसी की साइकोलॉजी का, उस विरोधाभास में, उस साइकोलॉजी में उतरने का बड़ा दिल था मेरा कि मैं उतरूं और जानूं कि एग्जैक्टली क्या है ये। सो इस वजह से मैं करना चाहता था। हालांकि इसमें हिटलर का कैरेक्टर पूरेपन के साथ नहीं आया है, एक सीक्वेंस है इसमें जिसमें ये बच्चा इमेजिन करता है, कहानी तो शायद बताएंगे, इमेजिन करता है वो हिटलर को कॉल करता है अपने इमेजिनेशन अपने घर पर, और वो सब प्रश्न करता है जो पूरी दुनिया जानना चाहती है हिटलर से, कि उसने ऐसा क्यों किया, वो कैसे कर पाया ऐसा। और हिटलर उस डिस्कशन में सारे जवाब देता है। सो बहुत ज्यादा पूरेपन के साथ नहीं आया, एक हिस्सा आया हिटलर का, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जितना मेरा जो मेरा तरीका है रिसर्च वर्क के साथ, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी। इसमें तीन चीज़ों को मैंने ज़्यादा उस कैरेक्टराइजेशन में डाला है। उसका वॉक, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि जो कैरेक्टर है उसमें हर कैरेक्टर में अलग तरह का वॉक दिखाई दे, तो उसका वॉक, उसका बोलने का ढंग और उसका सुर और उसका खड़े होने का स्टांस जो इसको जिसमें एटीट्यूड दिखता है, ये तीन चार चीज़ें हैं जिनको मैंने इसमें डालने की कोशिश की है, और इसको मैंने इस कैरेक्टर को कैरेक्टराइजेशन दिया है और परफॉर्म किया है।
कितना आया है वो तो सब आप लोग, इन्होंने तो मेरा बहुत ही हौसला बढ़ा दिया ये कह के मुझे। अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं था क्योंकि लोगों ने देखा नहीं, उन्होंने बोला है तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कल देखी थी फिल्म, मैं बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हुआ लेकिन मैं निराश नहीं हुआ और एक अच्छा संतोष सा हुआ कि थोड़े से में ही सही लेकिन एक समझ में एक सूत्रपात कर दिया। अभी मुझे अगर ये कैरेक्टर करने को मिले तो मैं अच्छा खासा उसमें उसमें जान डाल सकता हूँ। सो ये सब है, सो इसी तरह से ये फिल्म देखी जानी चाहिए और मुझे लगता है कि जो संदेश ये देना चाहते थे हमारे राजेश प्रसाद जी, वो संदेश पूरेपन के साथ और अच्छे पूरे सशक्त ढंग से इस फिल्म में आया है। और इस रूप में राजेश जी भी सक्सेसफुल हुए हैं और हमारे प्रोड्यूसर भी सक्सेसफुल हुए हैं, हमारे अमर डायरेक्टर भी सक्सेसफुल हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभी इन्होंने बताया तो मैंने भी फिल्म देखी बैठ के पूरी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उससे। इन्होंने कहा कि जैसे हम लोग कोई बहुत बड़े प्रोफेशनल टीम नहीं है। हेलो, मैंने 3 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की, 3 साल के अंदर मैं करीब 30 से 40 शॉर्ट फिल्में, म्यूजिक वीडियोस, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस बना चुका हूँ। फीचर फिल्म में अब हमने एंट्री की है, अभी ये फीचर फिल्म है जो मार्केट में आ रही है। दूसरी एक मॉर्निंग इन कश्मीर, कश्मीर आतंकवाद पे फिल्म बनाई है जो कि शायद 2 से 3 महीने के अंदर आएगी, वो भी पोस्ट प्रोडक्शन में है। और अब टारगेट ये है कि प्रोफेशनल हम हैं नहीं लेकिन हम प्रोफेशनल बन के दिखाएंगे, क्योंकि मैंने जो अनाउंस किया है कि हम हर साल मैं 3 फिल्में बनाऊंगा ही बनाऊंगा, 3 फीचर फिल्में हर साल आएंगी। तो हमारी एक फिल्म ये है, दूसरी मॉर्निंग इन कश्मीर रेडी है जो सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन में DI रह रहा है तो जल्दी आएगी, और तीसरी फिल्म जो है वो एक लव ट्राइंगल है, एक एज्ड बंदे का और एक जवान लड़के का और एक लड़की का, जो उस पे स्क्रीन प्ले पे काम चल रहा है और जल्दी उसकी भी शूटिंग शुरू होगी। सुनील पाल सर, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे फिल्म को और क्या कहना चाहेंगे गोविंद सर जिस तरह का किरदार निभा रहे हैं उसको लेकर? फिल्म की शुरुआत भजन सम्राट अनिल बिरला जी से हुई हो और अंत गोविंद नामजी जी से हो, समझ लीजिए वो सफर कितना सुहाना, कितना लुभावना, कितना सफल है। मैं समझता हूँ कि इस फिल्म में जो लागत लगी है, भगवान करे ईश्वर करे उससे 500 करोड़ ज़्यादा फिल्म कमाए। और हमारे अरोड़ा साहब जो है मतलब और यही शुभकामनाएं गोविंद जी के, तो फैन है ही, उनका जो भी प्रोजेक्ट आता है बेसब्री से इंतजार होता है। इस बार तो हटके आए हैं, उन्होंने देसी हयाती सबूल किए, अंग्रेज बन के आ रहे हैं, मजा आएगा है ना। और अभी तक लोगों ने सिर्फ हिटलर की फोटोग्राफ्स देखी है, इस फिल्म में सबको असली में हिटलर नजर आएगा। मेरे ख्याल से 1921 का ही फर्क रहेगा, 21 यही होंगे असली हिटलर को माफ कर। गुरुदेव जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो इब्ने बतूता बनाया उसमें भी एक एलियन का कनेक्शन था, इसमें भी क्या कनेक्शन है सर, इसमें भी एलियन? मेरे सारे दोस्तों सर यही कहते हैं कि आप तो एलियन के पीछे ही बना रहते हैं, मतलब इब्ने बतूता नहीं उसमें भी एलियन, उसका नाम एलियन है। तो मैंने कहा यार जब तक एलियन यहाँ आ नहीं जाते ना तब तक हम फिल्म ही बना लेते हैं एलियन के ऊपर ही। बाकी इस फिल्म में गोविंद जी हैं तो मैं बहुत श्योर हूँ कि अभी गोविंद जी ने दिखा दिखा, अगर मैं कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है तो मैं गोविंद जी को बताना चाहूँगा जहाँ आप हो वहाँ कन्फ्यूजन है ही नहीं। आप जैसे लेजेंड जहाँ पे हो वहाँ पे सक्सेसफुल रहती है, तो कन्फ्यूजन का मैटर ही नहीं है। तो मैं पूरी टीम का, गोविंद जी का, सुनील जी यहाँ आए सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फिल्म बड़ी सक्सेसफुल होगी। थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे और फिल्म के जो टीम है उनके लिए क्या शुभकामनाएं होंगी? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने अभी बताया मुझे कि फिल्म में बहुत कुछ और चीज़ें कह सकते हैं, तो एक्चुअली जब सर से जब हमारी बात हुई और वो हम लोग स्टोरी एक बार देख कर चले आए थे,
लेकिन सर ने मेरी उम्मीद से 200 गुना ज़्यादा इस पर अपना वर्कआउट किया हुआ था, और जब पहली बार सेट पर आके और उन्होंने पहला संवाद दिया तो आपको भी याद होगा सर कि जो लैंडलॉर्ड थी जिनका हमने घर लिया था वो थरथरा के रोने लगी, तो ऐसा कुछ मेमोरी है हमारा। तो ये फिल्म आप लोग को बहुत पसंद आएगी। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ये फिल्म ऐसी है जिसको बीच में छोड़ नहीं सकते। इस फिल्म को पूरी तरह से समझना है तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके एक एक डायलॉग कहीं ना कहीं या तो आगे से कनेक्टेड है या पीछे से कनेक्टेड है, तो ये एक सीक्वेंस में चल रही है पूरी। सर सर आप क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे फिल्मों में विलन के किरदार में देखा है, इस फिल्म में कौन सा किरदार होगा, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं। सबसे पहले तो पूरी टीम को मेरे तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं बताई। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, कभी थोड़ी पहले मैंने बोला भी था कि जितने इंडस्ट्री के विलन हैं सारे बड़े प्यारे नेचर के। चार पाँच दिन पहले की बात बताता हूँ, मैं सबके साथ ही प्रोग्राम में था तो मेरी वाइफ रील वीडियो भी बनाती रहती थी, बड़ी बड़ी के साथ में आ गए। मेरी वाइफ बोलती है कि आपकी दाढ़ी सफ़ेद है, सब लोग मैसेज करते रहते हैं कि बोले बहुत ज़्यादा एज है कि बहुत ज़्यादा एज है, आप दाढ़ी काली करते। मैंने बोला तीन चार दिन बाद दाढ़ी काली करती हो। उस प्रोग्राम में सर मिल गए, सर से मुलाकात हुई तो सर बोले यार आपका रूप बड़ा प्यारा लग रहा। तो सर ने खुद बोला, जबकि मेरी सर ने खुद बात की इच्छा थी, लेकिन कभी इंडस्ट्री ऐसी है ना तो आदमी सामने जाकर कभी बात नहीं कर पाता, कहना लगता है कि बुरा लग जाए या प्रोग्राम में लगे। सर ने सामने से मुझे रोका और मुझसे बात की, यार बड़ा प्यारा रूप लग रहा है तुम्हारा, बुलाओ एक साथ फोटो ले लीजिए। मैंने फिल्म सके कह दी, मैंने बोला सर हम काम देख के बड़े हुए और आपने ऐसा कह दिया मेरा कॉन्फिडेंस अलग बढ़ गया। तो जिस फिल्म में एक्टर इतने प्यारे इतने सज्जन हो और जो प्रोड्यूसर की तारीफ कर रहे हो, खासतौर से एक्टर और प्रोड्यूसर की तारीफ कर रहे हो, बनने के बाद पिक्चर कम्प्लीट हो जाए तो हम लोग पिक्चर सुपर डुपर हिट जाएगी। सर आप लोग क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे तीनों से जानना चाहूँगा। देखिए जैसा कि पहले भी अभी हेलो हाँ जैसे कि नामदेव जो सर जो है अभी बता रहे थे कि ये मूवी जो है इसको समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है, दो शब्दों में मैं बोलूँगा तो शायद एक बार आप मूवी देखेंगे इसके बाद आपको गूगल करना पड़ेगा, गूगल करके कुछ चीज़ें समझेंगे इसके बाद दोबारा ये मूवी देखेंगे तभी आपको मूवी पूरी समझ में आएगी। इसका सार बता रहा हूँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनील सर का, गोविंद सर का। तो मेरा क्या है कि अभिनेता को फिल्म के बाद बात करनी चाहिए, तो आप उसका इंतज़ार करिए, फिल्म आती है आप सभी देखिए, उसके बाद क्या रिएक्शंस आते हैं उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहना चाहेंगे। अभी आपने ट्रेलर देखा, कंसीव्ड एंड रिटन बाय राजेश प्रसाद। कंसीव शब्द मैंने बहुत सोच समझ डाला था ताकि मुझे लगे कि सब कुछ मेरा ही है, बाकी तो मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं, लेकिन बाद में ये लगा कि कोई किसी का नहीं है, सब कुछ सब लोगों का होता है, लेकिन लिखने पे जो अहंकार आता है उस अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए मैंने उसको कंसीव्ड लिखा था, फिर बाद में हटा नहीं पाया, वही रह गया, कोई बात नहीं, खैर अगली बार देखेंगे। ये फिल्म हमने बहुत ही लगन के साथ मेहनत साथ बनाई है, और जितनी भी हमारे भीतर सृजनात्मक क्षमता थी, क्रिएटिव करने की कुछ इच्छा थी, उससे हमने करने का प्रयास किया है बहुत ही कम संसाधनों में। हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म को जनता का, लोगों का, विशेष रूप से किशोरों का अधिक से अधिक प्रेम मिले, तमाम विद्यालयों के बच्चे इसको देखें, कम से कम जो क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, देखें इसे। जैसा पहले मैंने कहा, एक बार देखें, बार बार देखें, अच्छी लगेगी, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग न भी लगे अगर, तो हमारे साथ जब रहती तो अच्छी लगने ही लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।